पिछले एपिसोड में हमने जुपिटर के बारे में कई सारे बातें जानी। हमने जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर के बारे में जाना, जो कि वाकई में एक करिश्मा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही बड़ा है। अगर रात के आसमान में हम जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर को देख पाते तो ये लगभग हमारे चांद के आकार के बराबर दिखता। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर उस गैस के गोले का इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता था? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला नहीं है? इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर जाना था, और इसी मिशन के लिए साल 1989 को भेजा गया था गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट को जुपिटर के पास। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जुपिटर के बादल दिखने में काफी आकर्षक और रंग बिरंगे हैं, परंतु इनके रूप से धोखा मत खाना। ये दिखने में जितने सुंदर है, असलियत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। साल 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 सालों के सफर के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर स्थित जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से दो भागों में बना था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसे जुपिटर के अंदर गिराया जाने वाला था, और दूसरा भाग जो जुपिटर के बाहर से ऑर्बिट करने वाला था। इसमें बहुत सारे सेंसर्स और एंटीनाज लगे थे, जिसके जरिए जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड तथा इसके ग्रेविटी को करीब से पढ़ना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जो कि टाइटेनियम का बना हुआ प्रोब था, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच किया गया और ये सीधे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। करीब 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जुपिटर का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उस प्रोब को तेजी से खींच रही थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इससे जूझने के लिए पहले से ही तैयार थे। कुछ मिनटों के बाद ही उस प्रोब में लगा पैराशूट खुला और प्रोब का रफ्तार थोड़ा कम हुआ। अब ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था। ये सारी जानकारियों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में भेज रहा था, और गैलीलियो यहाँ धरती में बैठे हमारे वैज्ञानिकों को इसके जरिए जुपिटर का राज खुलने वाला था। इस प्रोब से हमें कई सारी नई जानकारियाँ मिली। जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ये पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर जैसा था ही नहीं, बल्कि इसका वायुमंडल घने बादलों से भरा था, जो कि बहुत ही अलग आकार के थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है। यहाँ के बादल केवल देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि ये वाकई में अजीब है। जुपिटर के बादल केवल एक ही सब्सटेंस के नहीं बने हैं, बल्कि ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसी के साथ H2O। जी हाँ, जुपिटर के आसमान में भी पानी के बादल मौजूद है, और बेशक इन बादलों से पानी की बरसात भी होती है, परंतु आखिर ये पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर के सतह पर पानी के ओशियंस है? इसका पता हमें और गहराई में जाने पर मिलेगा। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है। वातावरण का दबाव अब बहुत ही ज्यादा है, और टेम्परेचर हमारे सहन शक्ति से कहीं ज्यादा। लेकिन थोड़े गहराई में जाते ही ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं, और फिर आता है साफ खाली आसमान, जहाँ लगातार बारिश होती है, और ये दृश्य वाकई में काफी अद्भुत है। अगर आप जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर को बाहर से देखोगे तो आपको लगातार चलती हुई तूफानी बादल दिखेंगे। ये ऊपरी बादल अमोनिया से बनी है, जो जुपिटर के इक्वेटर के समानांतर अलग अलग जोनल बैंड्स के रूप में लगातार अल्टरनेट डायरेक्शन में बह रही है। इन तूफानी बादलों को जेट्स कहा जाता है। ये बैंड्स अल्टरनेट कलर के हैं। गहरे रंग के बैंड्स को बेल्ट्स कहा जाता है, और हल्के रंग के बैंड्स को जोन्स कहते हैं। तो हम जुपिटर के अंदर थे। जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद नीचे आपको केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर मिलेंगे, जो लगातार ऊपर की ओर जा रही है। परंतु ऐसा क्यों? दरअसल जुपिटर के गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बढ़ता है। जितनी गहराई उतनी ही अधिक गर्मी। ये तापमान इतनी अधिक है कि बारिश की पानी की बूंदें नीचे तक जा ही नहीं पाती। ये आसमान में ही गर्म होकर भाप में बदल जाता है। इसलिए जुपिटर के सतह में ओशियंस नहीं हो सकता था। लेकिन जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। करीब 156 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद भी इसे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला, और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा प्रोब भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। सिग्नल्स बंद होने के करीब 58 मिनट्स बाद गहराई में तापमान इतना ज्यादा हो गया कि इससे उस प्रोब के पार्ट्स ही मेल्ट होने लगे, और फिर जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब भी जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। बेशक हम ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए थे, लेकिन इस प्रोब के जरिए हमें पता चला कि जुपिटर में चलने वाले तूफान तथा इसके एटमॉस्फेयर का टर्बुलेंस वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था जुपिटर के तूफान करीब 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती होगी, लेकिन उस प्रोब द्वारा भेजे गए डेटा से ये पता चला कि ये तूफान 360 से 610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा है।
गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा हम जुपिटर के केवल थोड़े से ही हिस्से को खंगाल सके, परंतु हमें इससे भी और गहराई में जानना है। और इसीलिए साल 2011 को लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट को, जिसका मेन मिशन था जुपिटर के कंपोजिशन, ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा पोलर मैग्नेटोस्फीयर की पढ़ाई करना। 5 जुलाई 2016 को जूनो सक्सेसफुली जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और अपने मिशन में लग गया। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को काफी करीबी से बारीकी से देखा। जूनो में कोई लैंडर नहीं लगाया गया था, बल्कि ये जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर ही इसकी पढ़ाई कर रहा है। जूनो के द्वारा भेजे गए डेटा ने वैज्ञानिकों के डाउट्स को काफी हद तक हल किया और हमें ये पता चला कि जुपिटर का असल में कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, लेकिन ये अंदर से खोखला भी नहीं है। दरअसल इसके गहराई में एटमॉस्फेयर के खत्म होते ही सीधे एक लिक्विड कोर की शुरुआत होती है। जुपिटर के लिक्विड कोर का तापमान करीब 9700 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का प्रेशर इतना अधिक है कि हाइड्रोजन के एटम्स नॉर्मल से हटकर एक खास अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटैलिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यह फेज एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जुपिटर का यही मेटैलिक हाइड्रोजन कोर जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर का वजह है। जुपिटर के तेज घूर्णन की वजह से इस पर कभी सॉलिड सरफेस नहीं बन पाया, परंतु वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जुपिटर के मेटैलिक हाइड्रोजन कोर के नीचे यानी जुपिटर के सेंटर में रॉक एंड आइस कोर है, जहाँ का तापमान अविश्वसनीय रूप से करीब 35,700 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा ग्रह है और एक बड़े भाई की तरह जुपिटर हमेशा से ही हमारा रक्षा करता आ रहा है। तो जुपिटर के सहयोग के लिए एक लाइक करना तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।